अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ ये फूल उधर रख दो, और हाँ आज भोग के बाद लंच में आलू पूरी ही बनेंगे। ओके ठीक है। ज्योति चलो, सारी महिलाएं जुट गई हैं तो अपना अपना काम भी बांट लेते हैं। ज्योति तुम्हें पंचामृत का भोग बनाना होगा। पर मामी जी मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना था। अरे एकादशी का शुभ मुहूर्त है, घर में अखंड रामायण का पाठ रखा हुआ है और तुम बाहर जाकर भटकने की बात कर रही हो। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? अरे पूजा पाठ के लिए तो लोग घर के अंदर आते हैं और तुम बाहर जाके मटरगश्ती करोगी। इतने शुभ मुहूर्त को अनदेखा कर रहे, ये अपशगुन होता है बहुरानी। माँ जी आप ही समझाइए अपनी बहुरानी को। इतना जरूरी क्या काम हो गया ज्योति? पूजा तक तो रुक सकती हो ना, पूजा के बाद चली जाना। कावेरी मैम मुझे किसी से मिलने जाना है और वो बहुत जरूरी है। घर की पूजा से ज्यादा जरूरी और माँ जी के आदेश के ऊपर भी कुछ है क्या? ज्योति इंदौर से खास भजन मंडली बुलाई है इस घर की सुख शांति के लिए। हम सबके लिए हो रहा है ये सब, हम सबको शामिल होना है पूजा में। रहने दो इला, ये हमारी बात कहाँ मानने वाली, इसे तो इसके पति परमेश्वर समझाएंगे। बेदा देखो ना बेटा, घर में इतना बड़ा अखंड रामायण का पाठ रखा है और यह कि बाहर जाने की जिद लगाए बैठी है। मैं वादा करती हूँ 24 घंटों में साबित करके रहूंगी कि पुरु ने पूरे होशो हवास में जानबूझ के मुझ पे एसिड फेंका था। अरे शादी के बाद घर में पहली बार इतनी बड़ी पूजा हो रही है और हम कौन सा ज्यादा देर रुकने के लिए कह रहे हैं। हम तो सिर्फ भोग तक रुकने के लिए कह रहे हैं ना, और कौन सा इसकी पायल की जगह पैरों में जंजीर बांध रहे हैं। अगर पूजा में रुक जाएगी तो कुछ बिगड़ जाएगा काम। ज्योति मामी जी सही कह रही हैं, घर में पूजा है, भोग के बाद चली जाना। पर वेदांत सर मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, मैंने आपसे भोग का सामान ला, हमें दे दो। ये देख भोग का सारा सामान भी आ गया, अब तो नई बहुरानी ही भोग बनाई। अरे माँ जी एक बात और याद आई, इसी बहाने बहू की पहली चूल्हा चौका चढ़ाने की रस्म भी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, सारा भोग नई बहुरानी ही तो बनाएगी। ज्योति लग जाओ काम पे। अब जाओ जल्दी से भोग बना लो। 24 घंटे मांगे थे ना तूने वेदांत से मेरे बेटे को बर्बाद करने के लिए, उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। मैं 24 सेकंड भी नहीं दूंगी तुझे, ढाल बन के खड़ी हूं मैं अपने बेटे के सामने। लोगों से जैसा कहा ठीक वैसा ही करना। आज रात यह ज्योति बचनी नहीं चाहिए। अगर पंचामृत का भोग जल्दी से बना लूंगी तो मम्मी जी से जल्दी मिलने जा पाऊंगी। पंचामृत बनाने वाला बर्तन कहाँ होगा? बर्तन में तो छेद है,
घी कैसे हुआ? मैं भोग कैसे बनाऊंगी? मुझे बाहर जाके सबको बताना होगा। क्या हुआ ज्योति? क्या सोच रही? तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ से फटाफट भोग बना के एक्सप्रेस इंजन की तरह रफू चक्कर हो जाओगी? हम जब कोई खेल खेलते हैं ना, तो चार बाजी आगे का खेल पहले से ही अपने दिमाग में सोच कर रखते हैं, अपना भी और सामने वाले का भी। तुमको क्या लगा तुम चली जाओगी और हम हाथ में हरी झंडी लिए तुम्हें टुकुर टुकुर देखते रहेंगे? अब बनाओ इस छेद वाला बर्तन में पंचामृत का भोग, और बर्तन बदलने की सोचना भी मत, क्योंकि भोग तो चांदी के बर्तन में ही बनता है। अरे हाँ, हम ये बताना तो भूल ही गए, अभी तो तुम्हें खीर भी बनानी है, तो तुम ये ड्राई फ्रूट्स कैसे पीसोगी? हाँ, अरे एक बात बताना तो भूल ही गए, वो माचिस और लाइटर भी नहीं है, तो सोचो और खोजो इन सारे सवालों के जवाब। अरे अभी अभी पूरा नहीं हुआ, बाकी है। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए मुझे, मेरे पैर क्यों भागे? अरे अगर तुम हिरण की तरह उछलती कूदती बाहर चली गई तो? नाम है हमारा हेमा, हिला देती है पूरा खेल, पिक्चर अभी बाकी है। क्या कर रहे हो? हो गया, अब इलो बनाओ अपना पंचामृत का भोग और खीर। टाटा, बाय बाय। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमसे उम्मीद मत रखना। मैं वादा करती हूँ इन 24 घंटों में मैं सच साबित करके रहूंगी। अब देखती हूँ कैसे करती है ये अपना चैलेंज पूरा। हे महाकाल, अब क्या करूं? भोग कैसे बनेगा और मैं मम्मी जी से कैसे मिलने जा पाऊंगी? भोलेनाथ, अब आप ही कोई मदद कीजिए। देखिए ज्योति, उम्मीदों से सजी, शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।